हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को रियलमी 5 का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है उसके ऊपर एक वीडियो दिया था। तो उस टाइम में मैं आप लोगों को क्या बोला था, रियलमी 5 प्रो लॉन्च नहीं होगा। तो मैं वो गलत साबित हुआ, क्योंकि उसका बाद ही मैं देखा, एक दिन की बात ही रियलमी 5 प्रो का भी टीजर लॉन्च हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अभी मैं देखा उसके बारे में काफ़ी स्पेसिफिकेशन तो उधर दे दिया रियलमी जो फ्लिपकार्ट का टीजर है उधर, बट उसके साथ साथ और भी कुछ स्पेसिफिकेशन जिसको बारे में हम लोग को कुछ पता चला, बट इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज आपको ये वीडियो में बोलूंगा रियलमी 5 प्रो का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, और आपको जो जो ये इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका अंदर आपको ऑलमोस्ट 80-85% करेक्ट होने देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इवन 90% भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये वीडियो में देख लीजिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहे तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और टेक समय चैनल से मैं सम्राट। तो आते हैं वीडियो का मेन टॉपिक में। तो अगर हम लोग सबसे पहले फ्लिपकार्ट का वेबसाइट अगर देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट में कुछ पिक्चर इधर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप ये रियलमी 5 प्रो का जो टीजर का पेज है उधर अगर जाओगे तो उधर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फर्स्ट 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा फोन। तो इस प्राइस रेंज के अंदर तो ये एक सबसे पहला देखने को मिलेगा, जिधर आपको 4 कैमरा के साथ फोन देखने को मिल जाएगा। और इधर अगर सेंसर की बात किया जाए तो इधर आपको सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिलेगा, एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा इधर दिख रहा है, उसके साथ इधर एक आपको एक पोर्ट्रेट मोड लेंस देखने को मिल जाएगा, एंड उसके साथ आपको एक मैक्रो भी लेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब इधर आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ जैसे भूक चार्ज का सपोर्ट इधर देखने को मिलेगा। तो इधर भूक फ्लैश 3.0 दिखा रहा है, मतलब भूक चार्ज का एक नया वर्सन हो सकता है, 20W का ही कुछ रिफाइनमेंट हो सकता है, तो उस तरह का कुछ दिखा रहा है। एंड उसके साथ स्नैपड्रैगन का कोई वही सब देखा जो इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे पहले बोल रहा है, उसके साथ ये खूब ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ये सब इधर दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ आपको जानने को मिल रहा है, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारा जो स्पेसिफिकेशन उसके बारे में इधर किसी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, बट हम लोग को पता है। जैसे सबसे पहले जो बात आता है और सभी लोग ने जानना चाहते हैं इसका डिस्प्ले के बारे में, तो इस बार भी आपको डियोड्रम नहीं तो इन्फिनिटी यू या वी बोल सकते हैं, उस तरह का डिस्प्ले इस बार भी देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, अगर आप ये सब जो फ्लिपकार्ट की टीजर की पेज में जाओगे तो उधर जो कैमरा की सेगमेंट सेक्शन है जो पहले ही पिक्चर दिया था जो इधर दिखा रहा हो, इस पिक्चर में आप नोटिस कीजिए इधर आपको किसी तरह बैक में किसी तरह फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर बैक में किसी तरह फिंगरप्रिंट नहीं है तो फिंगरप्रिंट है खुद की कोई ना कोई तो है। तो उसके साथ और भी एक पिक्चर जिधर आपको सोनी IMX586 सेंसर के बारे में मेंशन किया गया, उस पिक्चर में भी अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे तो उधर भी किसी तरह फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा है। बट यही पिक्चर अगर हम लोग रियलमी 5 के बारे में देखेंगे तो उधर हम लोग को पीछे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो देखने को मिल रहा है। तो इधर फिंगरप्रिंट नहीं होने पर क्या हो रहा है, इधर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने पर ये जो फोन है ये एमोलेड होने का चांस आपको 100% कर लीजिए, क्योंकि आज की तक जो जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सेंसर देखने को मिलेगा वो एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर ही देखने को मिलेगा। मतलब इस फोन में आपको 90% चांस है एमोलेड डिस्प्ले विथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने का। तो ये आप कॉन्फर्म हो लीजिए होगा ही होगा, इसमें एमोलेड डिस्प्ले विथ फिंगरप्रिंट सेंसर 90% तक चांस वही है, क्योंकि इधर आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिल रहा है पीछे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और अगर ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट विथ एमोलेड डिस्प्ले आता है तो ये रियलमी का ट्रम्प कार्ड होगा। तो ये ट्रम्प कार्ड फेंकने पर आने वाली टाइम में ये Xiaomi को, उसका साथ Asus को, Vivo को एंड और भी जो कंपनी है उसको इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी फ़ोन लॉन्च करेगा तो उसको सोच समझ के फ़ोन लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस फ़ोन में ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको डिस्प्ले में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा इधर फुल HD प्लस आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। एंड बैक को अगर नोटिस करोगे तो बैक में जो वीडियो दिखा रहा है इसका टीजर के ऊपर जो, तो इसमें देखने तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, बट ये बार भी आपको प्लास्टिक के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा रियलमी 5 प्रो एंड रियलमी 5। तो दोनों फोन में आपको प्लास्टिक बिल्ड होने को देखने को मिलेगा, किसी तरह आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसका साथ अगर हम लोग देखेंगे इसका प्रोसेसर के बारे में, तो इधर अगर आप देखेंगे इधर आपको क्वालकॉम की प्रोसेसर के बारे में बता रहे हैं, बट कौन सा प्रोसेसर है। तो इधर मैं आज रिसेंटली एक ब्रिकवेंच की जो बेंचमार्किंग होता है वो लीक हो चुका है, तो उधर अगर देखेंगे तो ये जो मोबाइल का वर्सन की नाम रखा गया RMX 1971।
तो ये जो वर्जन है इधर आपको देखिए, इधर जो मदरबोर्ड है उधर HDM 710 मतलब स्नैपड्रैगन 710 दिखा रहा है, बट ये फोन में आपको स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिल जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा? तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एकदम नीचे तरफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में जो लिखा हुआ है, ये जो इधर लिखा हुआ है ये जो टेक्स्ट, ये सेम टेक्स्ट आपको वीवो Z1 प्रो का जो ग्रीक बेंच का बेंचमार्किंग है उधर भी देखने को मिलता था। तो उससे एक चीज प्रूव हो रहा है, इधर 712 होने का चांस आपको 80-85% है। तो इधर प्रोसेसर की वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, एंड 710 से 712 का परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो 15% तक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन ऑप्टिमाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, उसके साथ हार्डवेयर का ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होना। एंड उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इधर आपको क्विक चार्ज देखने को मिलेगा बुक 3.0, तो इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज नोटिस करने वाला चीज है, ये टीजर में किसी तरह आपको माइक्रो USB या टाइप सी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो माइक्रो USB नहीं तो USB-C का जो र्यूमर है इसमें लग रहा है ये 50-50 है, इसमें माइक्रो USB आ सकते हैं टाइप सी भी आ सकते हैं, तो ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। बट माइक्रो USB से टाइप सी आने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा मुझको देखने को लग रहा है। और उसका साथ अगर इसका बैटरी की बात किया जाए तो इधर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट की बात किया जाए तो फ्रंट में आपको 20 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा इन्फिनिटी यू जो शेप है उसका अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सब बारे में आपको पता चल रहा है। उसके साथ आपको जो ओवरऑल प्राइस होगा इसका बेस वेरियंस 4+64GB का प्राइस आपको अंडर 15K मतलब 15,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो प्राइस के अंदर ये आएगा काफी अच्छा प्राइस है, और ये देखोगे ये और रियलमी का X का अंदर बहुत सारा डिफरेंस कुछ नहीं है, बट जो डिफरेंस है उसके साथ प्राइस का जो डिफरेंस है काफी अच्छा है। अगर आप 2000 रुपया ज्यादा दोगे तो उसमें आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ठीक ऐसा ही अगर आप 2000 रुपया कम दोगे तो इसमें आपको पॉपअप सेल्फी देखने को नहीं मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले तो देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का एक कंडीशन में दो फोन आपको देखने को मिल जाएगा, और जो रियलमी के लिए काफी अच्छा होगा, रियलमी फोन के लिए ऑप्शन खुल जाएगा हर एक यूजर के लिए। उसके साथ हम लोग को लग रहा है ये जो इवेंट होगा इस इवेंट दौरान Realme 3 Pro का प्राइस 1000 रुपया गिरा सकता है। मतलब ये Realme 3 Pro अभी जो सेल 2 दिन पहले हो रहा था उसमें आपको 13,000 रुपए में मिल रहा था, बट Realme 5 Pro का जो इवेंट रहेगा इसमें हो सकता है Realme 3 Pro का परमानेंटली 1000 रुपया प्राइस इसका डाउन हो सकता है, उसके साथ Realme 3 का प्राइस भी 500 रुपीज का डाउन हो सकता है इस इवेंट के दौरान। तो अभी तक ये सब चीज से क्या पता चल रहा है, ये एक ओवरऑल काफी अच्छा फोन होगा, एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, क्वाड कैमरा फोन होगा, उसके साथ आपको क्विक चार्ज देखने को मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 712 की तरह प्रोसेसर, काफी ये सब लेकर एक काफी अच्छा पैकेज होकर आ रहा है Realme 5 Pro। तो आपको इसको रिगार्डिंग क्या राय है, आपको क्या जानना है, और इसको आपको क्या लगा फोन को लेकर, आप क्या इंटरेस्ट है, नीचे जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट का मैं वेट करूंगा। उसके साथ ये वीडियो में है लाइक की टारगेट रख रहा हूँ 10, मात्र 10 आप लाइक कर दीजिए तो मेरा टारगेट फुल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लगा है तो वीडियो में प्लीज 10 लाइक कर दीजिए। उसके साथ चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब हो तो थैंक यू, और ये वीडियो शेयर करो जो लोग नया मोबाइल लेने के इंटरेस्ट है उसको। फिर एक नया वीडियो में लगा तो रहे, तब तक प्लीज देखते टाटा।